सो हे गाइस, कैसे आप लोग? मैं हूँ आपका दोस्त प्रज्वल और आप देख रहे हैं प्रज्वल श्रेष्ठ यूट्यूब चैनल। सो आज दुर्गा माँ की ड्राइंग का पार्ट टू शेडिंग वाला ट्यूटोरियल है। तो आज हम मुकुट को शेड करने वाले हैं, जिसमें बेसिकली बहुत सारे डिटेल्स हैं, इसलिए वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले हम आप 10B पेंसिल लेंगे और उससे जैसे आप देख सकते हो मैंने बीच में मिडिल लेयर सॉरी अप्लाई कर दिया। मैं जैसे डिटेल कर रहा हूँ वैसे कर लीजिएगा। आपको पहले एक मैकेनिकल इरेजर से उसको अच्छे से कर लेना है। अब मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ कि आपको कैसे करना है। ऐसे ही करके आपको पूरे में करना है। तो पहले आप एक देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं सीधा पूरा करके ही दिखा दूंगा। ऐसे आपको पहले से ऊपर राइट आउटलाइन लेनी है और ये देखिए ऐसा एक तैयार हो गया है। गाइस जब तक मैं ये करता हूँ प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। गाइस ये देखिए मैंने आप पूरा कर लिया है, साइड में एक सर्कल बना के भी कर लिया है और इसमें थोड़े हाईलाइट्स देंगे अंदर। और गाइस तुरंत ब्लेंड मत कीजिएगा इसे, मत जब हम सेकंड ईयर कंप्लीट करेंगे जब फर्स्ट तब सर फर्स्ट और सेकंड ईयर को दोनों को साथ में ही ब्लेंड कर देना है। तो गाइस ये हमने कर लिया है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर अच्छे से कर सकते हो। अब हम गाइस ऊपर की लेयर्स को भी करेंगे। उसमें सबसे पहले हम ऐसी सेम डिज़ाइन लेकिन थोड़े पतले स्ट्राइप्स ऐसे मैं जैसे मैकेनिकल इरेजर से बना रहा हूँ वैसे कर सकते हैं। मैं गाइस अपनी स्केचबुक के 200 GSM के स्मूथ सरफेस का पेपर का यूज़ कर रहा हूँ और ये मेरे पास अप्सरा का डॉम्स का इरेजर है। ये गाइस हमने बना ली है ज्वेलरी और अब हमें इसमें भी शेड करना है। सबसे पहले हमें एक ऐसी वाइट लाइन बीच में छोड़ देनी है और ध्यान रखिएगा इसे एकदम अच्छे से छोड़ना है, क्योंकि ब्लेंड करते हुए इसमें थोड़ा सा हमें ग्रे टोन टाइप इफेक्ट देना है ताकि ये रियलिस्टिक लगे। ऐसे हमें कर लेना है। ऊपर के आउटलाइन में भी सबसे पहले आउटलाइन को डार्क कर लेना है और अब हम शेडिंग शुरू करेंगे। आप देख सकते हो मैंने शेडिंग शुरू कर दिया। आपको सबसे पहले हल्के हाथ से करना है और ये देखिए मैंने पूरा कर लिया है। आप यहाँ पर भी वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं। अभी मैंने जैसे बोला था ब्लेंडिंग कर लेनी है हमको फर्स्ट और सेकेंड लेयर की, तो मैंने फर्स्ट लेयर की कर ली थी और यहाँ पर सेकेंड लेयर की आप देख सकते हो। ब्लेंडिंग आपको एकदम हल्के हाथ से करनी है। अगर आप चाहो तो चारकोल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो इसे करने में, लेकिन मैं प्रेफर करूँ ग्रेफाइट पेंसिल से यूज़ करूँ। और अब हमने मुकुट के ऐसे साइड में स्ट्रेट लाइन उसकी आउटलाइन की तरफ बना लेनी है और ऐसे आपको शेड कर देना है। अब मैं जैसे जैसे कहता हूँ गाइस वैसे वैसे शेड करते जाइए और आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा निकल के आएगा। अब हम साइड में भी ज्वेलरी बना लेंगे। मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे करते जाइएगा। इधर कहीं पर भी वीडियो को स्किप मत कीजिए या फॉरवर्ड मत कीजिए, अगर आपने ऐसा किया तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और गाइस आपके आपको जो भी डाउट्स होंगे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और गाइस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। गाइस ये देख सकते हैं मैंने ये भी पूरा कर लिया। अब बाजू में जो शेड की वाला एरिया था हमने, अब उसे भी हम कर लेंगे। यहाँ पर भी वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं। ये देखिएगा अभी मैं यहाँ पर शेडिंग शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हमें फर्स्ट लेयर दे देनी है, फिर मैंने ब्लेंड कर लिया और ये दीजिए मैंने ज्वेलरी का डिटेल्स बना लिया है। अब मैं इसे शेड करूँगा। अब मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ आपको बिल्कुल वैसे ही करना है। अगर आप मेरी स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपका रिजल्ट भी अच्छा निकल के आएगा। और गाइस ड्राइंग में टाइम लगाओ, अच्छा खासा टाइम लगाओ, क्योंकि ज्वेलरी का पार्ट बहुत डिटेल है तो इसमें टाइम लगना ही चाहिए। ऐसे आपको कर लेना है गाइस ये। और ये पूरा मैंने 10B पेंसिल से किया है, बस जो फर्स्ट लेयर है उसमें मैंने 2B पेंसिल यूज़ की है। आप चाहो तो चारकोल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो। ये सेकेंड पार्ट है गाइस इस ड्राइंग का। अगर आपने आउटलाइन वीडियो नहीं देखा होगा तो आप देख सकते हैं। ये देखिए गाइस अब मैंने ये भी ज्वेलरी एक ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ही दी है। ये देखिए आप कितना अच्छा लग रहा है। अभी तक पूरा हमने किया नहीं है, जब हम पूरा हो जाएगा तब हम उसमें ग्रेट ग्रे स्टोन ऐड कर देंगे ताकि ऐसा लगे कि हमारा मुकुट चमक रहे। ये और तो उसको थोड़ा डार्क कर लेना है गाइस और अब ब्लेंड कर लेना। आप देख